विफल हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने आखिर ऐसा किया क्या जिस कारण से भारतीय इतिहास उसे पूरा कहती है कि ये विवादात्मक शासक है, कंट्रोवर्सियल है, या फिर बोलती है कि पगला सुल्तान है। रीजन नंबर फर्स्ट, वो सोचा कि ये जो राष्ट्रीय खजाना है जो राजाओं अपने टैक्स से भरते थे, लगान से भरते थे, तो वो राष्ट्रीय जो खजाना था वो बहुत कम हो गया था। उसने बोला कि हम इस पर लगान लगाते हैं और उसने टैक्स को बढ़ा दिया। जिनका माइक ऑन है माइक ऑफ कीजिए। अंतिम अनलेस यू वांट हैव एनी क्वेश्चन। नीलेश, नीलेश वाघमारे, नीलेश नीलेश आवाज आ रही है मेरी? क्या बोल रहा था वही भूल गया। क्या बोल रहा था भाई? अरे क्या कर के बारे में बता रहे थे आप? कर के बारे में, कर के बारे में, उसने जो कर लगाया था। हाँ। अरे ये कहाँ चला जाता है मोबाइल लॉगिन करके? निलेश निलेश बोल रहा हूँ, उसके बाद भी सुनाई नहीं दे रहा है। निलेश आवाज आ रही है आपको? ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों आखिर पगला सुल्तान भारतीय इतिहास के इतिहासकारों ने इसको बोला। पहला रीजन था कि उसने टैक्स को बढ़ा दिया। उसने बोला कि मैं जो ये दो एक में होल्ड करूं, नीलेश आप कहाँ चले गए हैं माइक छोड़ के? हाँ माइक ऑफ करके जाया करो ना, अगर नहीं हो आप डेस्क पे तो। ओके नाउ ओके ऑल गुड। क्योंकि यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ उसके समय मुझे यहाँ पे कोई आवाज अगर सुनाई देगी तो एक्सेप्ट क्वेश्चन और भी कुछ नहीं होना चाहिए। आपके पास 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मेरे से पूछिए, लेकिन अदर नॉइज मुझे नहीं चाहिए। इसका चलिए आगे हम चलते हैं। पहला काम था कि जो टैक्स है उस टैक्स को बढ़ा दिया गया। टैक्स कहाँ बढ़ाया गया? तो ये कहा गया कि जो दो नदी हैं, उस दो नदी की जो बीच का लैंड होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्यों नहीं उस दो नदियों के बीच के जो लैंड है उस पर हम क्या करें टैक्स बढ़ा दें। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि दो नदियों के बीच के लैंड को हम किस नाम से जानते हैं। द आंसर इज द्वाब, डी ओ ए बी। आपसे पूछा जाता है कि द्वाब क्या है, व्हाट इज द्वाब? द्वाब इज ए फर्टाइल लैंड व्हिच इज इन बिटवीन टू डिफरेंट रिवर्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली यही किया कि टैक्स को बढ़ा दिया। अभी टैक्स बढ़ा दिया गया तो किसानों ने क्या किया, वो लैंड छोड़ दिया और किसी तीसरी जगह जाकर खेती करने लगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जो ग्रेन प्रोडक्ट हमारे पास मिलता था वो उसका उत्पादन कम होने लगा, है ना। वहां पर फिर क्या हो गया, तो आपके डिमांड था मान लीजिए 20 kg का और प्रोडक्ट होने लगा 15 kg का, तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दिल्ली उस समय केंद्र बिंदु में था क्योंकि दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हम खिलजी की बात करें या फिर गुलाम की बात करें, तो दिल्ली उस समय केंद्र बिंदु में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोला कि मुझे दिल्ली से नीचे मतलब साउथ की ओर जो आपका क्षेत्र आपका नीचे तक कन्याकुमारी तक है वहां तक मुझे शासन करना है, तो मुझे दिल्ली से दूसरी जगह अपना कैपिटल नीचे करना पड़ेगा सो दैट कि मैं उस साउथर्न स्टेट पर भी राज कर सकूं। उसने क्या किया, दिल्ली से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया देवगिरी की ओर, और यही देवगिरी का बाद में नाम रख दिया दौलताबाद।
मोहम्मद बिन तुगलक का ये कैपिटल ट्रांसफर करने का काम तो किया गया, उसने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी को शिफ्ट किया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट है उससे हमारा कंट्रोल कम हो रहा है, तो फिर से उसने अपना प्लान चेंज किया और फिर से रिवर्स गियर में दौलताबाद से दिल्ली की ओर अपना कैपिटल कूच किया। तो उस समय तो ऐसा है नहीं कि बहुत सारे होटल हैं, ये है वो है, तो इस बीच में लोग जो आने जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज, बुलक कार्ट का यूज करते थे, बहुत लोग मर गए। तो ये जो कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम था, जो इम्प्लीमेंटेशन था, वो भी फेल हो गया। तो दो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह विफल। तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने एक और किया, बोला कि ये जो रुपया छापा जाता है, ये चांदी या सोने के छापे जाते हैं जिसपे बहुत ज्यादा क्या होता है, तो बर्डन होता है राजकीय कोष पे। तो सोना और चांदी की जगह उसने तांबा है ना, कॉपर और ब्रास के क्वाइन छापने लगे। तो आप सोचें कि अगर आपके पास भी घर में कॉपर और तांबा है और घर में ही आप अगर सिक्का बनाने लगे तो इकोनॉमी सिस्टम चलेगी क्या? आज जो 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए आप कहीं से उगाही करते हैं या फिर कहीं पे काम करके आप लाते हैं, अगर घर में ही ये पैसा प्रिंट आप करेंगे तो ना आप पढ़ेंगे, ना मैं पढ़ाऊंगा, ना आप कहीं जाएंगे, ना मैं कहीं से आऊंगा, तो पूरी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये तीन बेसिक आपके इम्प्लीमेंटेशन मोहम्मद बिन तुगलक के थे, जो एक के बाद एक धराशायी हुई है, इस कारण से हम बोलते हैं तुगलक की फरमान मत जारी करो, मोहम्मद बिन तुगलक का काम तमाम हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक चले गए। उसके बाद तीसरा शासक आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक, हाँ, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुगलकाबाद शहर की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक फाउंडर ने की थी, वैसे ही जहां पना नगर की स्थापना इस मोहम्मद बिन तुगलक ने की। उसके बाद मैं सारी इतिहास मैंने आपको बताया क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जो तीसरा शासक आया जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसने चार इंपॉर्टेंट सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो जौनपुर हो, या चाहे वो फतेहाबाद हो। ये चार इंपॉर्टेंट सिटी का फाउंडर आपका कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का भी काम तमाम। और उसके बाद आपके इस तुगलक वंश के आखिरी शासक ने गद्दी संभाली जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। तो चार नाम मैंने अभी तक आपको तुगलक डायनेस्टी के बताए हैं। पहला नाम आपको मैंने फाउंडर के रूप में ग्यासुद्दीन तुगलक के रूप में बताया, फिर पगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में बताया, फिर फिरोजाबाद शहर की एस्टैब्लिशमेंट करने वाला फिरोज शाह तुगलक था, और फिर नसरुद्दीन महमूद। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का जो पीरियड था वो चल रहा था, साउथ से वो आना चाहता था, तो उसी के दौरान दो साउदर्न स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए, और ये आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो PCS लेवल के स्टूडेंट हो। फिर से बोलता हूँ, आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय साउदर्न स्टेट, बेसिकली डेक्कन के दो स्टेट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कह दिया कि मैं आजाद हूं। एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी और उसका फाउंडर हरिहर बुक्का था। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुने, मैं नाम बता रहा हूं, तुगलक वंश का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो साउदर्न स्टेट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा। एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य जिसका फाउंडर हरिहर बुक्का था और उसकी राजधानी हम्पी थी। दूसरा वंश जिसने आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा वो भी साउदर्न का ही था, नाम था बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर और बहमनी, ऐसा कोई भी संभवतः एग्जाम मुझे नहीं दिखता है जनरल स्टडी का, अगर मिजावल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना हो, चाहे तो पूछा गया है कि विजयनगर की कैप्टर बताइए, या पूछा गया है कि बहमनी का फाउंडर बताइए, तो विजयनगर की कैप्टर आपको मैंने बताया हम्पी, बहमनी साम्राज्य जिसकी कैप्टर का नाम था गुलबर्गा, कर्नाटका में आज के दिन में है ये गुलबर्गा, और इसका फाउंडर का नाम था हसन गंगू। आवाज आ रही है क्या? यस सर। क्या क्या बोला समझ में आया? कहेंगे सर एक तो ये सब नाम नए हैं, ऊपर से आपकी रफ्तार तो दुरंतों वाली है, आप बोले चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बोलता ही नहीं हूं,
मैं सिर्फ नाम आपको एक बार जहन में चला जाए, उसके बाद तो हम बोर्ड पे काम करते ही हैं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसको हम यहाँ पिन डाउन करेंगे। लेकिन जिस समय पिन डाउन करेंगे उस समय आपको लगेगा कि सर ने विजयनगर साम्राज्य बताया था, जिस समय वो अनवर बता रहे थे, हम्पी कैपिटल का नाम बताया था, हरिहर बुक्का भी नाम बताया था कि हरिहर बुक्का आपका फाउंडर है विजयनगर साम्राज्य का, जैसे गयासुद्दीन तुगलक आपके तुगलक वंश का फाउंडर है, वैसे ही हसन गंगू फाउंडर है आपके बहमनी साम्राज्य का जिसकी राजधानी गुलबर्गा है। तो इतनी बात पे हम काम करेंगे आपके बोर्ड पे और टॉपिक का नाम हम आपका देंगे तुगलक डायनेस्टी। लिखें अपने नोटबुक पे तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी में हमें कितने लोगों के बारे में जानना है, तो चार लोगों के बारे में जानना है। कौन सा? तो पहला गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद। ये चार नाम लिखे पहले तुगलक, तुगलक डायनेस्टी कब लिखेंगे? ईयर 1320। अभी आवाज सही आ रही है क्या आप लोगों को? पहले था ना कुछ सर, हर टाइम क्लियर नहीं आ रहा है सर, हर टाइम जो क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा क्लियर है। अरे सॉरी सॉरी, आज पता नहीं क्या इशू है, क्योंकि आज मैंने जब क्लास लिया मॉर्निंग में भी तो भी कुछ लोगों ने ऐसा बोला, चलो देखते हैं क्या इशू है। चलो फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ लोगों की पहली क्लास है। और हो जाए तो बोलिए कि सर डन। सुलोचना चौहान पहली क्लास, साहिल राउत पहली क्लास, कोमल पहली क्लास, गिरीश संभवतः पहली क्लास, अनिकेत संभवतः पहली क्लास। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये संभवतः मुझे लग रहा है कि आज पहली क्लास है उनकी, am I right? Yes sir. Yes sir. Yes yes. क्योंकि मुझे yes, नाम sir. जब नए दिखते हैं तो मुझे लग जाता है। चलो हटाओ क्या इसको आगे? Yes sir. अरे वो देखिए, जिनकी पहली क्लास है उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, to be very frank. आज की क्लास उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाकी के वंश उन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम मुगल वंश की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, बाबर के बेटे हुमायूं की बात करेंगे, हुमायूं के बेटे अकबर की बात करेंगे, अकबर के बेटे जहांगीर, उसके बेटे शाहजहां की बात करेंगे, तो उस समय से उनको पूरी बात समझ में आएगी। आज सिर्फ देखें किस तरह पढ़ाते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, किस बात पे वो लाइन मारते हैं, कहाँ पे बोलते हैं कि आज की क्लास की सबसे बड़ी बात है। तो सिर्फ आज सिर्फ ये सब चीजें आप गौर करें तो नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, कुछ पहचानना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे कि ये चीजें अगर फोकस किया जा रहा है, इट मीन्स दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू फेस, इधर रेलवे और SSC और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक PCS। ओके, तो अभी हम चलेंगे किस पे? तो अभी हम चलेंगे फाउंडर पे। फाउंडर का नाम क्या था भाई? सिर्फ दो ही बात जानना है, एक तो गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर था, तुगलक वंश था, और दूसरी तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की। सिर्फ दो बात आप लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक में, तो लिखें
गया सुद्दीन तुगलक, पहली बात फाउंडर और दूसरी बात फाउंडर ऑफ कौन सा शहर? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद फाउंडर ऑफ तुगलकाबाद सिटी। बस दो काम, उतना ही जानने जितना आपके एग्जाम में पूछा जाए आपको याद है, सिर्फ उतना। फटाफट लिखे आगे बढ़े। चलो आगे। यस सर। ये लाल किला किसने बनवाया? अच्छा लाल किला छोड़ दें, शायद बताया नहीं है। ये कुतुब मीनार किसने बनवाया? इल्तुतमिश। वेरी गुड। ढाई दिन का ढोकला किसने बनवाया भाई? ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? किसने बनवाया था कि आप लोगों ने बनवाया था किसी ने? किसी को नहीं पता। चीख चीख के उस दिन बोल रहा था। हाँ, लाख बख्त की उपाधि किसने ली? सुल्तान की उपाधि किसने ली? लेकिन फिर भी तो कितना भी चीख लो आपके चीख का हमारे के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमने लिखा MBT। MBT एक शॉर्ट फॉर्म है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का पहले तो निक नेम हम लिखेंगे कि उसका जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो उलगू खान। तो लिखें निक नेम उलगू खान, उलगू खान। दूसरा इबन बतूता, अंडरलाइन करेंगे इसको टिक मार करके, इबन बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। इबन बतूता विजिटेड हिज कोर्ट मोस्ट कंट्रोवर्सियल रूलर ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री। मोस्ट कंट्रोवर्सियल रूलर ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज कौन सा? सुल्तान। तो पगला सुल्तान लिखे मोस्ट कंट्रोवर्सियल रूलर ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री ऑल्सो नोन एज पगला सुल्तान। कौन? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके दरबार में इबन बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक है। कौन सा नाम? MBT सन ऑफ इसका पूरा नाम बताओ क्या तुगलक है? क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, यस। सन ऑफ गियासुद्दीन इनके फादर। देखो सन है या उसका कजन है कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इस पत्र में हम पढ़ा, लेकिन जहां पे सन इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे सन इन लॉ इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम से मैं बताऊंगा कि बाबर का बेटा हुमायूं ही था, हुमायूं का बेटा अकबर ही याद रखना है, उसका सन था। बट यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, आपने पूछा था, आप जान ले उसका बेटा था। अदरवाइज उस पचरे में ना पड़े, हम ब्लड रिलेशन नहीं है, हम हिस्ट्री में है, तो कभी ये नहीं पूछा जाए गियासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था या मोहम्मद बिन तुगलक का फादर कौन था। ओके, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक निक नेम उलगू खान, इसके दरबार में फॉरेन विजिटर आया था, उसका नाम संभवतः बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इबन बतूता। और क्या है तो इसको हम ऑर्डर जिस नाम से जानते हैं वो नाम है पगला सुल्तान। क्यों पगला सुल्तान? तो वन बाय वन करके मैं रीजन लिखूंगा। वट एवर एक्सपेरिमेंट ही डिड, सारे एक्सपेरिमेंट क्या हुए? तो फेल हुए। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है दो नाम, और ये नाम संभवतः आपके आज के क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट बातें के रूप में आपको बता रहा हूं। वो नाम थे दो छोटे स्टेट ने अपने आप को बोला कि मैं स्वतंत्र हूं, एक का नाम था विजयनगर, दूसरे का नाम था बहमनी। इसको हटाओ क्या? यस सर। यस सर।
टू साउदर्न स्टेट, टू साउदर्न स्टेट फाउंड इंडिपेंडेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम दे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, विजयनगर डायनेस्टी, बहमनी डायनेस्टी, कैपिटल किधर, तो ये कैपिटल लिख रहा हूं, किधर है कैपिटल, हम्पी, हम्पी, और इसकी कैपिटल किधर है, गुलबर्गा, डोम्बी बोली ना, गुलबर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर का नाम बताओ जरा, फाउंडर का नाम हरिहर, क्या बात है, वेरी गुड, हरिहर बुक्का, इधर क्या लिखूं, हसन गंगू, क्या बात है, इतना तेज कैसे हो गया आप लोग अचानक से, लिख लिया था क्या, नो सर, वेरी गुड, ये याद रखना है हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, हरिहर बुक्का, जैसे गयासुद्दीन तुगलक को हम तुगलक वंश के फाउंडर के रूप में याद रखेंगे, वैसे ही हसन गंगू को हम बहमनी के फाउंडर के रूप में याद रखेंगे, और इस बुक्का को हम विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर के रूप में याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखें कितनी बार मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, उसी से समझ जाए कितनी कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अदरवाइज मैं सीधा जेब में रखता और सीधा निकल गया होता। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, गुलबर्गा, हम्पी, हरिहर बुक्का एंड हसन गंगू, चलो क्या, यस सर, हाँ सर, हटाओ इसको, यस सर, आप लोगों ने कितने लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री कितने पढ़ा है, अरे मॉडर्न हिस्ट्री वाले किधर, एंशिएंट में गायब हो गए क्या, कमाल है, मॉडर्न हिस्ट्री, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा, काकोरी ट्रेन रॉबरी, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब गायब हो गया क्या, अभी समझ रहा है कि अगर मैं बोल दिया कि सर मैंने पढ़ा है तो सर कहीं क्वेश्चन ही नहीं पूछ डाले, इसका सब खामोश है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे हम याद रखते हैं कि आपके क्यों, आपके इस मोहम्मद दीन तुगलक को हमने बोला कि पगला सुल्तान है, उसकी एक्सपेरिमेंट पहला इंक्रीज, इंक्रीज टैक्स ऑन, ये वर्ड हमेशा याद रखेंगे जो लिख रहा हूं मैं, इंक्रीज टैक्स ऑन DOAB, द्वाब, द्वाब को आप अच्छे समझने के लिख लें, लैंड बिटवीन या लैंड से आगे पहले लिखिएगा फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर, इंक्रीज टैक्स ऑन द्वाब रीजन, इंक्रीज टैक्स ऑन द्वाब रीजन, सर उधर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इंक्रीज टैक्स ऑन द्वाब रीजन, द्वाब क्या है, तो फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर, फेल्ड, क्यों फेल्ड हुआ भाई, पीपल लेफ्ट द्वाब एज ए रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन
प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप लिख लीजिए, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप रिड्यूसेस एज पर डिमांड, ये एक्सपेरिमेंट था, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया, और छोड़ने से क्या हो गया, तो जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उत्पादन शक्ति थी, जो क्षमता थी, उससे कम प्रोडक्शन होने लगे, तो डिमांड को वो मैच ही नहीं कर पाया। तो फिर उसने दोआब क्षेत्र पे जो टैक्स बढ़ाया था, लगान बढ़ाया था, उसको हटा दिया। दूसरा, कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर से किधर कैपिटल किया? तो दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली टू दौलताबाद। तो कहां कैपिटल था, ये दिल्ली याद रखने की जरूरत इस कारण से नहीं है क्योंकि दिल्ली साम्राज्य ही हम पढ़ रहे हैं। तो चाहे वो गुलाम वंश का कैपिटल पढ़ें, या खिलजी का कैपिटल पढ़ें, या तुगलक का कैपिटल पढ़ें, सबकी कैपिटल शुरुआत में दिल्ली ही थी। लेकिन ये बोला कि मुझे साउथ के स्टेट पे भी अपना अधिकार अधिपत्य जमाना है, तो दौलताबाद क्यों हम चलते हैं? दौलताबाद बेसिकली कर्नाटक के ऊपर का रीजन है, जो नीचे में आप देखते हैं तमिलनाडु केरला, उससे ऊपर का रीजन था। तो दैट वहां से आसानी से दौलताबाद का नाम ही देवगिरी का नाम ही चेंज होकर दौलताबाद हुआ ना। Yeah. कैसे मालूम चला आपको? वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है ना। अच्छा 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 अच्छा, वही तो मुझे लगा कि भाई साहब इतनी बड़ी बात कैसे याद कर रहे हैं। वेरी गुड, यस, है ना। तो कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इस दौलताबाद का जो ओल्ड नेम था, ओल्ड नेम, हालांकि ये ओल्ड नेम कभी भी आपको पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जरूर याद रखें कि वो जो ओल्ड नेम था वो था देवगिरी। फेल्ड, क्यों फेल हुआ भाई? अगर फेल नहीं होता तो ये हम लिखते ही नहीं। तो फेल्ड क्यों? तो कैंसल ट्रांसफर पॉलिसी एज ए रिजल्ट मेनी पीपल डाइड। थोड़ा ऊपर लिखा सर। एज ए रिजल्ट मेनी पीपल डाइड इन ट्रांसफर प्रोसेस, मेनी पीपल डाइड। तीसरा क्या था भाई? तीन रीजन हमने बताए थे कि तीन ऐसे रीजन थे जिसको एक बाय एक करके थे, तो बहुत सारे रीजन, छह सात ऐसे रीजन थे, बट फिर भी तीन अगर आप जानते हैं कि ये तीन रीजन ऐसे थे जिसके कारण हम उसे पगला सुल्तान के रूप में याद रखते हैं, तो काफी है। पहला रीजन, टैक्स को बढ़ा देना, ऐसे जगह पे बढ़ाना जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लोगों का छोड़ना, विस्थापित होना, वहां से ट्रांसफर होना, और फिर उस जगह उसका कारण जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होना, पहला रीजन। दूसरा था कैपिटल ट्रांसफर का, कि साउथ के स्टेट पे उसे अपना आधिपत्य जमाना था, बाद में जब वो साउथ तक तो पहुंच गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि नॉर्थ के स्टेट छूटे ना चले जाए, इस कारण से फिर से वो दिल्ली में आने लगा। मान लीजिए ये आपकी भारत की क्या है, तो मैप है, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्रॉइंग, बट संभवतः अगर ऐसा मैप है तो यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे दौलताबाद है, ये था आपका बहमनी और ये था आपका विजयनगर, जिसके बारे में मैं बता रहा था, विजयनगर, और ये था बहमनी और यही था दौलताबाद का रीजन। तो दिल्ली से दौलताबाद तक आना, और फिर दौलताबाद इस कारण से आना कि बाकी के जो साउदर्न स्टेट है उससे वो अधिपत्य जमा सके। फिर जब उसे लगा कि हम यहां से पहुंच गए, लेकिन फिर ये जो रीजन है ये हमसे अछूता न रह जाए, तो फिर से वापस चला गया। इस आने जाने में तो पहले तो हमारे पास वही हाथी घोड़े थे, कितने लोग मर गए, काम खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया।
समझ में आया? यस सर। अभी कहां चलूं मैं? थर्ड थर्ड पॉइंट, क्या था थर्ड पॉइंट? करेंसी, करेंसी पॉइंट्स। यस करेंसी बेस्ड ऑन कॉपर ब्रास, करेंसी बेस्ड ऑन कॉपर और ब्रास फेल्ड एज मेनी पीपल स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसी एट होम, घर में ही छापो ना, एसएससी सीजीएल क्रैक करने की जरूरत है, बैंक पीओ ना बैंक क्लर्क बनने की जरूरत है, मस्त छपाई करने का और मस्त मलाई खाने का, है कि नहीं? हाँ सर। ओके लिखो फटाफट। बहमनी बहमनी बहमनी, विजयनगर विजयनगर विजयनगर, भूलने का नहीं। जैसे जाते हैं ना वो बस वाला बोलता है इधर जाओ उधर जाओ वहां जाना है, वैसे ही याद रखने का आज के बाद विजयनगर बहमनी। तुगलक एक मिनट की लगा, भूल भी गए तो चलता है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि भूल जाए, अगर भूलने वाली बात होती तो मैं पढ़ाता ही नहीं, लेकिन विजयनगर और बहमनी तो भाई भूलने का नहीं। नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी बार कि मैं बता नहीं सकता हूं। चलो क्या आगे? यस सर। कौन सा शहर बताया था इसने, दादर या डोंबिवली? कौन सा शहर था? क्या नाम लिखा मैंने? जापना। जापना कहते हैं, जापना। थ्री इडियट में दिखा होगा जापना, तो आप कबूल करो तो वैसे ही याद रखने का कि भाई साहब ये जो जापना है ये वो शासक ने बताया था जिसने काम तो सब किए लेकिन सब फेल हो गए, तो जापना नगर इसने बताया। दौलताबाद अपनी कैपिटल इसने किया, तुगलकाबाद, देखिए दौलताबाद और तुगलकाबाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जिस समय आपके पास चॉइस में आएगा कि दिल्ली से तुगलकाबाद किया या दिल्ली से दौलताबाद किया, तो आपको लगेगा कि जब हम जानते हैं और भूल गए हैं तो दिमाग बहुत लगाते हैं, तो आपको लगेगा कि मोहम्मद ने तुगलक पढ़ा है, सर ने पढ़ाया है, तुगलक वंश का है, तो तुगलक वंश का ऐसा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक तो आएगा ही, क्योंकि पगला सुल्तान बहुत बार सर ने अपने मुंह से बोला, हो ना हो ये जो कैपिटल ट्रांसफर किया होगा ये तुगलकाबाद किया होगा, बट मैंने आपको स्पष्ट लिखाया है तुगलकाबाद एक शहर है जिसकी स्थापना, जिसका नीम आपके उसके फाउंडर ने रखा, जिसका नाम ग्यासुद्दीन तुगलक है, बस। वेयरएज कैपिटल ट्रांसफर वाज ए पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड लेटर ऑन दिस देवगिरी नोन एज दौलताबाद। क्लियर? यहां पर लिख लें फाउंडर ऑफ जापना नगर। हटाओ। यस सर। अभी हम किस पे आएंगे? तभी हम आएंगे इसके बाद जो इसके शासक आए थे, नाम था फिरोज शाह खिलजी ना तुगलक। हाँ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कितनी बात हमने आपको बताई थी, कुछ बताया था क्या? फाउंडर शहर के नाम, कुछ शहर के नाम बताए थे? हाँ जौनपुर। कौन कौन सा तो फाउंडर? जौनपुर, फिरोजपुर। फाउंडर ऑफ
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद हिसार हरियाणा में है, जौनपुर एंड फतेहाबाद। देखें अभी तक मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आज के क्लास की सबसे बड़ी बात हम विजयनगर और बहमनी के बारे में बता रहे हैं, बट एसएससी सीजीएल रेलवे को छोड़ दीजिए, एसएससी सीजीएल और एमपीएससी के जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इस ब्रैकेट में, जो भी मैं लिखने वाला हूं अपने फाइनल सिलेक्शन से पहले तक बोलने का नहीं, रेलवे वाले इस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, बट एसएससी सीजीएल और उससे ऊपर लेवल के एग्जामिनेशन भूलने का नहीं। क्या है तो इम्प्लीमेंटेड टैक्स, और ये टैक्स इतनी बार आपसे पूछेगा क्या है, पहला टैक्स का नाम था खराज, दूसरा खत्म, खराज खम, तीसरा ये नाम संभवतः आपने जानते हैं जजिया, और चौथा जकात। वन टेंथ ऑफ प्रोडक्शन, खत्म क्या था तो वन फिफ्थ ऑफ वॉर बुटी, जजिया क्या था, यदि आप पहले से भी जानते हैं एसएससी सीजीएल वाले ध्यान से सुने, फिरोज शाह तुगलक ने चार नए टैक्स को इंपोज किया और उस टैक्स का नाम था खराज। ये खराज क्या था तो मान लीजिए आप अपने खेत में 100 किलो अनाज उपजाते हैं, तो उस 100 किलो का वन टेंथ जो 10 किलो होगा वो आपको राजा को देना पड़ेगा लगान के रूप में, बेसिकली लगान ही था बट उसका नाम था खराज। दूसरा खम्स, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया आज तक, जजिया तो ठीक है पुराना अलाउद्दीन खिलजी के समय वाला टैक्स है तो संभवतः ये नहीं पूछा जाएगा, बट खम्स बहुत बार पूछा गया है कि खम्स was a tax implemented by whom? Answer is Firoz Shah Tughlaq. Khams क्या था? तो जिस समय वॉर होता था, लड़ाई होती थी, उस समय जो हम अपने जनता से पैसे मांगते थे, वसूलते थे कि लड़ाई के लिए पैसे दो, उसमें अगर मैंने 5 यूनिट वसूले हैं उस 5 यूनिट में से 1 यूनिट मुझे राजा को देना पड़ेगा, तो क्या लिखा है 1/5 ऑफ वॉर बूटी। जजिया बेसिकली पहले भी वही टैक्स था, नॉन मुस्लिम से बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जा रहा टैक्स था, और जो जकात था मुस्लिम से, मुस्लिम कम्युनिटी से लिया जाने वाला टैक्स था, फॉर डिफरेंट क्या था तो जो भी वो फेस्टिवल मुस्लिम फेस्टिवल मनाते थे उसके एवज में जकात वसूलता था, ये नॉन मुस्लिम से लिया, आप सिर्फ इतना याद रखें जजिया नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जकात मुस्लिम से लिया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट खम्स एक टैक्स था जो 1/5 ऑफ वॉर बूटी लिया जाता था, और जो खराज था वो लगान था, पूरे प्रोडक्शन का जो 1/10 भाग है वो हमें राजा को देना पड़ता है। तो इस ब्रैकेट में जितनी भी बात हमने लिखी है संभवतः हर एक चीज मैं नेक्स्ट क्लास आपसे पूछूंगा, तो अगर नेक्स्ट क्लास मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो कम से कम ये और विजयनगर और बहमनी का, चाहे वो हम्पी हो, चाहे वो गुलबर्गा हो, चाहे वो हसन गंगू हो, चाहे वो आपका हरियर बुक का हो, ये भूलने का नहीं, फटाफट इसको लिखिए, और लिखने के साथ ही सबसे आखिरी बात भी लिखिएगा, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी नाम, एक और बात आप लिख लेंगे, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी नसरुद्दीन महमूद लिखें। खराज, खम, जजिया, जकात, चार टैक्स, फिरोज शाह तुगलक, जिसने फिरोजाबाद हो, हिसार हो, जौनपुर हो, फतेहाबाद हो की स्थापना की,
जाफरा नगर को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, तुगलकाबाद को गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया, जहां पे आपने विजयनगर और बहमनी लिखा है वहां पे एक लाइन सिर्फ ऐड कर लीजिए, जैसे आपने तुगलक आप तुगलक वंश की नींव 1320 में डाली है, वैसे ही विजयनगर कब स्वतंत्र हुआ, आंसर इज 1336। बहमनी कब स्वतंत्र हुआ, आंसर इज जस्ट आफ्टर वन ईयर ऑफ विजयनगर, दैट इज 1337। विजयनगर 1336, बहमनी 1337, तुगलक 1320। आज होगा कि नहीं, हो गया सर, हो गया सर। ये साहिल, साहिल साहिल आवाज आ रही है क्या? यस सर। अरे साहिल आवाज आ रही है, क्या लिखे हो तुमने अपने नाम में साहिल, रोल नंबर 1239, क्या है भाई ये? सर वो हमारे कॉलेज का है, हमारे कॉलेज का रोल नंबर कंपलसरी है वहाँ पे। अच्छा वो भी जूम पे चलता है क्या? हाँ। ओके ओके, गुड गुड गुड, वही मुझे लगा कि थोड़ा सा नया है। नहीं नहीं, वो हमारे कॉलेज है आपका? मंजुनाथ। क्या कर रहे हो वहाँ से? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो? हाँ। अरे ग्रेजुएशन कंप्लीट जब तक हो तो बम बन जाओगे तुम। हाँ लेकिन देखना कहीं बम समय से पहले अगर फट गया तो फिर बहुत नुकसान करता है, आराम से। नहीं सर। हाँ सर ठीक है ठीक है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। थोड़ा सा संयम के साथ आप काम कीजिए, आपकी उम्र कम है लेकिन अगर आपने इस पेस को मेंटेन रखा तो संभवतः बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अल्फादुल, अल्फादुल कौन है भाई? यस सर अर्शद। पहली क्लास है आपकी? नो सर, इससे भी पहले ज्वाइन किया। ओके ओके, क्या है नेम आपका? एसएससी सीजीएल सर। वेरी गुड, क्या क्या पढ़ा है अभी तक? अभी तक हम लोग ने ये मौर्य डायनेस्टी, फिर बीच में हमने एक चीज बताओ कि मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? वो कंट्रोल ए करके कंट्रोल डिलीट मार दिया क्या? नहीं सर, नहीं सर, याद है सर, बताओ बताओ। अशोका के, अशोका के बाद एक और कोई था? चलो कोई बात नहीं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम 10 बार पढ़ रहे हैं तो हाँ, अच्छा है कि हम 2 बार रिवीजन हाँ। जरूर करें। सुलोचना चौहान। okay. सुलोचना। यस सर। मैडम पहली क्लास है या आपने पहले हाँ, हाँ, पहली है? नहीं नहीं पहली क्लास है। पहली क्लास है। ओके, क्या एम है आपका? सुलोचना चौहान। एम एम, अच्छा एम, ओके, एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन या जुगाड़ चाहिए? जुगाड़ सर, कहीं भी सरकारी नौकरी चाहिए या एम होता है ना जब हम लोग तैयारी करते हैं तो संभवतः हमारा एम यही होता है कि सर कहीं भी जुगाड़ मिल जाए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जामिनेशन हो। यस, मिलेगा, बट फॉर दैट आपके कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की जरूरत बहुत होती है। यस सर। यस, गुड गुड, ठीक है, कंटिन्यू। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बातें जानी है, इस चीज को एक बार हम क्या करते हैं तो कंपाइल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सैयद वंश को भी खत्म करेंगे और लोदी वंश को भी खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे आपके मिडावल हिस्ट्री की सबसे बड़ी वंश, जिस वंश का नींव 1526 में जिस व्यक्ति ने रखा उसका नाम था द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, बाबर, है ना?
बट आज हमने क्या कहा है, तो आज हमने बेसिकली 1320 में जिस वंश की नींव रखी उस वंश का नाम हमने दिया तुगलक डायनेस्टी। जिसको बनाने वाला शासक वो था जिसने तुगलकाबाद शहर की नींव रखी, नाम दिया हमने गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हम उल्लू खां पे आए थे और बाद में ये बोला कि यही वो उल्लू खां है जिसके दरबार में बड़ा इतिहासकार आया था, बड़ा नाम था इब्न बतूता। और वो उल्लू खां बाद में जिस नाम से हमने जाना वो नाम भारतीय इतिहास का सबसे कंट्रोवर्सियल शासक के रूप में उभर के सामने आया, पगला सुल्तान के रूप में हमारे पास उभर के सामने आया। नाम दिया हमने मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने तीन बेसिक एक्सपेरिमेंट किए, सबके सब एक बार धराशायी हो गए। एक तो जो सोने और चांदी के सिक्के बनते थे उसकी जगह उसने कॉपर और ब्रास के सिक्के बनाने लगे। घर में ही ये प्रिंटिंग अवेलेबल था, घर में ही ब्रास और आपका कॉपर अवेलेबल था, लोगों ने उसको डिजाइन किया, मस्त छापा, इकोनॉमी खत्म। दूसरा कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि साउथ स्टेट पे उनको अपना आधिपत्य करना था, दिल्ली से दौलताबाद किया, फिर से रिवर्स मारा आपने इस डिसीजन को, बीच में बहुत लोग क्या हो गए तो मर गए। तीसरा द्वाब क्षेत्र से, द्वाब एक ऐसे लैंड को कहते हैं, एक ऐसे फर्टाइल लैंड का नाम है जो बेसिकली दो नदियों के बीच में होता है, सो दैट जब भी बाढ़ आती है तो वो जो एल्यूवियल सॉइल है, वो जो जलोढ़ मिट्टी है, चाहे वो खादर हो या बांगर हो, बेसिकली इसकी बात हम ज्योग्राफी में करेंगे, उसके कारण ये जो लैंड होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग जो विस्थापित लोग थे उन्होंने इस जगह को ही छोड़ दिया और फिर तीसरी जगह वो प्रोडक्शन करने लगे जहां पे टैक्स कम था। उस कारण से क्या हुआ कि इस जगह का सही ढंग से यूसेज नहीं हो पाया, जो प्रोडक्टिविटी पहले ज्यादा होती थी, जो फार्मिंग पहले ज्यादा होती थी उसकी जगह कम हो गई, और फिर जो डिमांड था हमारा वो फुलफिल नहीं हो पाया, है ना, ये टैक्स का जो इंक्रीमेंट था वो फिर खत्म हो गया। उसके बाद इसने जहांपनाह नगर की नींव रखी और इसी के समय दो छोटे साम्राज्य ने अपने आप को आजाद घोषित किया, जिसका एक संभवतः मैंने आपके बोर्ड पर लिखा नहीं बट आपको मैंने बैठ के बताया, नाम दिया विजयनगर 1336, नाम दिया बहमनी 1337। विजयनगर की कैपिटल हम्पी है और बहमनी की कैपिटल गुलबर्गा कर्नाटक है। इस दोनों को बनाने वाला, दोनों का फाउंडर मैंने पहले भी बताया कि आज के क्लास की सबसे बड़ी बात होगी, जिसका नाम था हरिहर बुक्का जो विजयनगर का था, हसन गंगू जो बहमनी का था। उसके बाद हम आए आपके फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किए हुए चार टैक्स को हमने जाना, चाहे वो खराज हो, चाहे वो खम्स हो, चाहे वो जजिया हो, चाहे वो जकात हो। खराज 1/10 ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता था, जो खम्स था 1/5 ऑफ वॉर बूटी लिए जाते थे, जो जजिया था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जो जकात था वो मुस्लिम से लिया जाता था। साथ साथ इस फिरोज शाह तुगलक में चार छोटे शहरों की नींव रखी, इससे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद है। और आखिरी शासक जो आपके तुगलक वंश के गद्दी पर बैठा, नाम नसरुद्दीन महमूद के रूप में मैंने आपको बताया है। इन चीजों को कंपाइल करके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे ज्यादा की हम बातें करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन तो मेरे से पूछ सकते हैं। नो, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बैंकिंग क्लास में आप आधे घंटे के बाद। Gracias.